साथ मीट करने का खैरियत होकर मर्द आएगा हमेशा खुश रहे, हंसते और मुस्कुराते रहे और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहे। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं तारक नाम, मैं मोहम्मद, मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है फ्रांस की मिलिट्री को भारत के रंग में रंगते देख पाकिस्तान हैरान। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिएक्शन पर देंगे। कौन करते हैं वीडियो स्टार्ट। लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि उस कल्चर की ऐसी क्या खासियत, क्या बात है कि जिसके ऊपर हर कोई जो है दुनिया का उसको अडॉप्ट करने पे तैयार होता है। तो यू सी, यूरोप में जो इंडिया में 10 साल पहले हुआ, यूरोप में अब होने जा रहा है। इस टाइम बड़े बड़े जितने आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, आपके मोबाइल के सॉफ्टवेयर वहाँ से बन के आ रहे हैं, आपके AI के काफ़ी सारे जितने हैं पावर प्लांट वो सारे वहाँ पे लगे हुए हैं और उनके बच्चे हार्वर्ड में जाके पढ़ रहे हैं, गूगल के CEO बने हुए हैं। जो इंडियन फिलोसफी है वो दैट इज ऑल्टरनेट टू द वर्ल्ड। और हम ये देखते हैं तार साहब कि चाहे वो हॉलीवुड की सेलिब्रिटीज हों या दुनिया के कहीं के भी लोग, वो बात करते हुए नजर आते हैं वहां के कल्चर की। आई स्वेयर टू गॉड, आप पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, कैद आजम यूनिवर्सिटी या पंजाब यूनिवर्सिटी है, आप पंजाब यूनिवर्सिटी का बच्चा निकाल के बिठा लें, इंडिया के किसी पब्लिक कॉलेज का बच्चा उठा के बिठा लें, उनको कहें दोनों आप बैठे, देखते हैं दोनों में से प्रेजेंटेबल कौन है। और कहते हैं कि वहां के रिलीजन को वो फॉलो करते हैं, जूलिया रॉबर्ट से लेकर कितने कितने, मतलब आम उनकी क्लिप्स मौजूद हैं जिसमें उन्होंने, आपको हंसी आएगी। अब हमारे जब बच्चे बाहर के मुल्क जाते हैं, मैंने पहले भी बताया था, मैंने अपनी आंखों से देखा, उनके मुंह के ऊपर मैंने दुबई में देखा, डिग्रियां मारते हैं लोग। मईशत की हालत तवक्को से बढ़कर खराब है, जिसमें रिलीफ देने की कोई गुंजाइश नहीं है, यानी बालफाज दीगर आवाम को ऐसे ही जीना पड़ेगा। हमारी धरती हम सब की, उस रीजन की है, भारत की धरती है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, भारत और फ्रांस के बीच एक टग ऑफ वार देखने को मिला। दरअसल दोस्तों, मेघालय के उमराई में विदेशी प्रशिक्षण नोड में आयोजित भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 7वां संस्करण रविवार को संपन्न हुआ। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच संयुक्त रणनीतिक संचालन और अंतर संचालनीयता को बढ़ाना था। इस दौरान एक टग ऑफ वार का भी आयोजन किया गया, जिसमें भारत और फ्रांस के जवान रस्से को खींचते हुए नजर आए। ये टग ऑफ वार भारतीय स्टाइल में भारत और फ्रांस के जवानों की ताकत का अंदाजा लगाने के लिए किया गया। दोनों सेवा के त्रिसेवा प्रतिनिधि मंडलों ने समापन समारोह का अवलोकन किया। इसे अंतिम कानूनी अभ्यास के रूप में मान्यता दी गई। रविवार को सैन्य युद्ध अभ्यास प्रदर्शन के साथ समाप्त हुआ। यह युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच बारी बारी से आयोजित किया जाता है। जो इंडियन फिलोसफी है वो दैट इज ऑल्टरनेट टू द वर्ल्ड। और हम ये देखते हैं तार साहब कि चाहे वो हॉलीवुड की सेलिब्रिटीज हों या दुनिया के कहीं के भी लोग, वो बात करते हुए नजर आते हैं वहां के कल्चर की। और कहते हैं कि वहां के रिलीजन को वो फॉलो करते हैं, जूलिया रॉबर्ट से लेकर कितने कितने, मतलब आम उनकी क्लिप्स मौजूद हैं जिसमें उन्होंने, आप क्या समझते हैं कि ऐसी क्या बात है उस कल्चर में, जो कि कभी हमारा कल्चर भी था, अभी भी है, लेकिन वो ठीक है कि हमने बहुत कुछ बदल डाला कि हम तो वो सरतन से जुदा की जो पॉलिसी है उसको अपना लिया, जो कुछ हो रहा है आप पता ही आपको। तो लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि उस कल्चर की ऐसी क्या खासियत, क्या बात है कि जिसके ऊपर हर कोई जो है दुनिया का उसको अडॉप्ट करने पे तैयार होता है, प्लीज बताइए। जी देखिए, बहुत खुशकिस्मती से आपका और मेरा तल्लुक भी उसी कल्चर से है और हमें उसी कल्चर को ओन करना चाहिए, उसकी ओनरशिप लेना चाहिए, ये हमारी खुशकिस्मती है। हम में से जो उसको ओन करते हैं, खुदा भगवान उन पर ब्लेस्ड है, जो उसको ओन नहीं करते वो उनकी बदकिस्मती है। चाहे उस धरती में जिसका नाम भारत है उसमें किसी का धर्म इस्लाम हो, किसी का क्रिश्चियनिटी हो, किसी का पारसी हो, कोई अपने आप को इस्लाम फेथ के साथ जोड़े, हम सब भारतीय हैं। जैसे जर्मन, फ्रेंच या ब्रिटिश, वो सब यूरोपियन हैं। कोई ये नहीं कहता कि हम यूरोपियन नहीं हैं। सब कहते हैं हाँ हम यूरोपियन हैं, फिर कहते हैं हम ब्रिटिश हैं या जर्मन हैं या फ्रेंच हैं। तो अगर हम में भी ये तमीज आ जाए इस खित्ते के लोगों को और अपनी मां धरती को हम मान लें, बेशक अपने अपने तौर पर जिसकी जो जो सोवरेन स्टेट है वो उस पे, उससे भी आइडेंटिफाई करें,
अपने धर्म से भी आइडेंटिफाई करें, मगर जब वो उस रीजन के रहने वाले लोग अपने आप को भारतीय धरती के साथ जोड़ेंगे, उस सिविलाइजेशन के साथ जोड़ेंगे, तो वो ऐसे ही है जब वो अपनी माँ को रिकॉग्नाइज करेंगे। अब जब हम डिनाई करते हैं उस कल्चर को, तो उससे हमारी मुराद ये होती कि हम अपनी माँ को डिनाई कर रहे हैं। तो अब उसमें खूबी क्या है जिसकी वजह से मैं इतने बड़े बोल बोल रहा हूँ? उसकी खूबी यह है कि हमारा जो कल्चर है, हिंदू सिविलाइजेशन जो है या सनातनी सिविलाइजेशन है, चलिए हो सकता है हिंदू शब्द मुसलमानों को या वहां के क्रिश्चियंस को कोई इतना अट्रैक्ट ना करे या सनातनी ना करे, मगर भारतीय तो है, हम सब भारतीय हैं। जैसे मैंने पीछे कहा, एक जर्मन यूरोपियन है, एक फ्रेंच भी यूरोपियन है, वो सब यूरोपियन है। तो हमारी धरती हम सब की उस रीजन की है, भारत की धरती है। और जो हमारी सिविलाइजेशन में यूनिक बात यह है कि वो जमीन के साथ जुड़ी हुई सिविलाइजेशन है, यानी हमारे ऊपर आसमान से कोई इल्हाम नहीं आ रहा होता, कोई वही नहीं उतर रही होती, हम अपनी जमीन के साथ जुड़े हुए हैं। तो हम अपने, हमें कोई यूनिवर्सिटियों में, अगर हमारे पास यूनिवर्सिटियों के एमए पीएचडी की डिग्रियां ना भी हों, तो बड़ी सीधी सी बातें होती हैं। जैसे हमने, हमारे एक विलेजर ने देखा कि जी दरख्तों पे फल लगे हुए हैं, और जिन दरख्तों पे ज्यादा फल लगे हुए हैं उनकी टहनियां झुकी होती हैं, तो ज्यादा फल वाले दरख्तों की जो शाखें हैं वो झुकी होती हैं। उसके लिए ना उसने आइंस्टाइन को पढ़ा होता है, ना उसने एरिस्टॉटल को पढ़ा होता है, ना उसके पास कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री होती है, मगर वो अपने अंदर डूबता है और मुशाहिदा करता है नेचर का, और उसके बाद एक एक रूल देता है। तो आपको और मुझे याद होगा कि हम जब कभी लाहौर रहते थे तो ऐसी ऐसी कहावतें बोलते थे, यही कहावत कि जी जो जो फलों से माला माल दरख्त होते हैं वो झुके होते हैं, यानी वो हम्बल। तो ये हमने इल्म अपने मुशाहदे से, अपने अंदर से लिया था, ये हमारी धरती की खूबी है। कोई सर, ये भी मतलब कहावत होती थी ना राय साहब, एक ये भी कहावत हुआ करती थी ना कि कहा करते थे कि बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब, ये बोलते थे बदनसीब। बिल्कुल अच्छा, ये देखिए फिर हमारा जो सनातनी कल्चर है या भारतीय कल्चर जो है वो मिक्स हुआ हुआ था उस वक्त के पर्शियन कल्चर के साथ। देखिए इस्लाम तो वहां पे कोई मतलब 1200-1300 साल पहले आया, इस्लाम की अपनी टोटल जो हिस्ट्री है वो 1400-1500 साल की है, ठीक है, मगर वो धरती हजारों साल से है। आप कश्मीर को देख लीजिए, कश्मीर में इस्लाम सूफी वूफी जो भी थे वो 600-700 पहले आए थे, बहुत सारे कन्वर्ट हुए थे, मगर चीन सॉरी कश्मीर का जो कल्चर था वो भारतीय हिंदुस्तानी हिंदू या सिंधु देश का कल्चर था। तो हमारे पास कोई एक कहावत नहीं, आपने एक की मिसाल दी, मैंने एक की मिसाल दी, मतलब वो पंजाबी में हमारा एक एक्सप्रेशन होता है, जिंदे काट दाने उन्दे कमले भी सियाने। तो इसमें देखिए कितनी डेप्थ है, ये बिल्कुल क्लोकियल सामने की बातें हैं। भाई दबी ये तकरीबन हर कल्चर में होती है, मगर हमारे कल्चर में वो विजडम के साथ थी। महात्मा बुद्ध से किसी ने पूछा कि ये बताइए कि सच क्या है और उसे कैसे पकड़ा जा सकता है, तो महात्मा बुद्ध ने कहा सच बिखरे हुए पत्तों की तरह है, जो सारा का सारा सच आपके हाथ में नहीं आता, बस थोड़े से पत्ते आपके हाथ में आते हैं। चलो जी, वीडियो खत्म हो गए भाई, बहुत इंटरेस्टिंग थी वीडियो। वैसे ये तो वीडियो डिटेल में होनी चाहिए थी कि जब वो हो गए तो मजा आता भाई पूरी वीडियो देख के, भाई साहब जीता कौन है। और बाकी एक भाई वो एक जो आपस में वो घुले मिले हुए थे ना, वो बड़ा अच्छा लग रहा था। किस तरह जब मिलकर मजाक कर रहे हैं तो फिर घुलना मिलना था। फ्रांस और इंडिया के आपस में दुश्मनी है कि उन्होंने, लेकिन ये भी है कि इंडिया का इस मामले में ना दिल थोड़ा सा ना खुला है कि जो भाई दूसरे कंट्री से या कोई कल्चर के लोग आते हैं ना वो इंडिया में घुल मिल जाते हैं। ये चीज इंडिया में, इंडिया का कल्चर देखने के लिए स्पेशल, और इंडिया मनाने के लिए वैसे फेयर वर्ड से मिस्टर भी आते हैं। सही बात है भाई, कल्चर में तो भाई इंडिया वाकई रिचर कल्चर की बात हो रही थी, तो इंडिया जो है वो इंडिया में खुद ही इतने ज्यादा कल्चर है, हर मैं कहता हूँ 100 किलोमीटर पे हमारा लगभग थोड़ा है, हमारा भी बहुत कल्चर है भाई। ये भी है, हम भी हमारे खत्ते में भी है कल्चर है, लेकिन हमारे मर गए
हाँ ये है कि हम वो हम तो साले हो गए। हाँ इस वजह से थोड़ा सा, लेकिन कल्चर वैसे देखो ना, पठानों का अपना, पंजाबियों का अपना, बलोचों का अपना, सरायकियों का अपना कल्चर तो है, लेकिन ऐसी बात तो नहीं है कि काफी जो मतवे लगाना शुरू हो जाते हैं, ये तो काफड़ों के कल्चर है। अब जो है वो शादी ब्याह में कई ऐसी रस्में, साल दर पे हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहते थे, हमारी शादियों में देख लेना अक्सर जो है शादी में होता है सेम, जो वो लगाते हैं वो हल्दी मेहंदी हल्दी वाला वो बटना लगाते हैं। और भी होगी अपनी शादियों जो जब होती है बच्चों की, उनकी गाय जो नाच गाने होते हैं, वो भी वो जो हल्दी लगाते हैं वो पूरी बॉडी में मसाज करते हैं तेल उसमें डाल के, तो वो चढ़ता है वो जी उससे जी निखार आ जाता है। तो लेकिन वो अगर वो इस्लामी तरीके से वो बोलेंगे तो कहेंगे भाई ये तो बोलेंगे इस्लाम ने कब मना कर रखा है, ये जो शादियां करते थे इस्लाम ने तो कहा है तुम धूमधाम से, चुप कैसे मना किया गया इस्लाम ने। लेकिन वो जो चीजें लेकिन भाई साहब जो गाने बजाने नचना ये भी अलाउ खुशी के मौके पर नहीं अलाउ तो है, गाना बजाना भी ऐसा नहीं, कई बंदे तो फिर हर कोई अपनी मर्जी से, अब मुल्ला हर मुल्ला ने तो अपने दीन बना रखा है, ये बात तो है ना भाई। भाई साहब नाचना नुचना नहीं है, नाचते थे बंदे जी, और भाई अरबी देख रहा है नाचते नहीं, याद अभी उधर भी हराम हो जाए अपनी मर्जी का, जो वो अलग कर जो बदला के पसंद है, जिसका सूरत बिके वो अडॉप्ट करते जाना, जो इस्लाम जिससे मना करता उसको साइड पर कर देना, यहाँ से अपनी रोटियां सिकती है ना, ये सही है। अलग वाले तुम्हें याद करते भाई अभी दूसरे कंट्री से मिनोरिटी जाती है ना, मतलब गैर मुस्लिम जाते हैं काम उधर कर नहीं रहे, हमारे जो अपने लोग है मिनोरिटी वाले हम उनके साथ क्या बिहेवियर कर रहे हैं। अच्छा मैं देख रहा था ईरान के अंदर भी काफी तादाद है यहूदियों की, नहीं आए ईरान के अंदर भी इतनी तादाद नहीं होती, मतलब ये है कि उधर तो किसी को कोई नहीं मार रहा है, को सरकार से जुदा या कत्ल नहीं कर रहा है, या किसी ईसाई को तंग नहीं किया जा रहा। असल में पता क्या है, तरीके से रह रहे हैं ये जो तो आई कंट्री में सरकार से जुदा है, ईसाइयों को मारो दूसरे धर्म को रिस्पेक्ट देना सीखे नहीं, और गौरों ने भाई साहब इधर बीच में वो कर रहे हैं यार को मारना पड़ेगा, वो सारे उन्होंने बजट मौत पर बंदे जो इस्लामिक थे उनको अपने अंडर किया, अभी इनके पीछे सारे लंबाई करना शुरू कर दिया, ये उन्होंने गौरों ने ये सिस्टम इधर चला चा पीरी मुरीदी वाला भी तो नफरत तो वही बार भी नहीं है, ये बिल्कुल उन्होंने ये किया, ये उनका किया धरा है धर्म के नाम पर बांटा उन्होंने, नहीं मकसद तो ये है ना मौलम के भाई अब चलो हमारी मैं ये इस्लाम मजहब को फॉलो करता हूँ, मेरा मानना है मेरा बिलीफ है, अब कोई दूसरे धर्म को फॉलो करता है तो भाई हमारी नफरत उसको उसके बिलीफ के तहत नहीं होनी चाहिए, वो उसकी अपनी है अपने कबीला, कल को ऊपर वाले को जवाब दे उसने होना, इस जगह पे मैं उसको मार डालू या नफरत करूँ ये तो कोई नहीं ना सिखाता, जिसके ऊपर ये ग्लास फैमिली का केस है उसको मार देते हैं, इनको ये पता नहीं वो बंदा अल्लाह को कितना प्यारा है, हो सकता है आप भी इस पर ज्यादा प्यारा हो अल्लाह को यार, इसके बारे में तुम अनाप शनाप लफ्ज बोलकर उसको मार देते हो यार, ये तो गलत फहमियां पैदा करते हैं लोग, और उसकी वजह से ना मजलूम लोगों को ना वो कुर्बान कर देते हैं, और उस बीच में लोग जो है वो अपनी सियासत खेल रहे होते हैं, और बाकी भाई किसी भी इंसान को मजहब के नाम पे ना वो अगर उसकी कोई गलती नहीं है, अगर आपको कोई इख्तलाफात है तो उसको अलग नज़र से सॉल्व करें, अलग लेवल पे सॉल्व करें, मजहब के नाम पे सॉल्व नहीं करना चाहिए, अगर उसने किसी को नुकसान किया तो उसको उसी हिसाब से सजा दें, मजहब के नाम पे तो सजा नहीं दे सकते, उसका गला काट दो, जिस बेचारे को मारा था ना उसको वो तीन चार बार उठाए जा रहे थे टांगों से बालों से, बेहरमती मतलब उसकी की जा रही उसकी लाश की, और ऊपर से लोग इस तरह लाश नहीं बचत होगी,
वो तो एक पुलिस वाला बहादुर था भाई साहब, उसने अपनी वो एम्बुलेंस की चाबी भी निकाल ली, उसने अपनी चाबी लगा के वो भाई साहब वो एम्बुलेंस को लेकर गया अस्पताल में, उसकी जान बच गई। लेकिन देख रहे कि लोगों की नफरत देख रहे किस तरह। अब पता चला इंडियन कल्चर में लोग क्यों ढल जाते हैं, इधर अगर ढले तो सर यहाँ पे फतवा लग जाता है। मैं वही तो बात कर रहा हूँ कि भाई हमारा कल्चर जो है ना, तो अभी कई कई मौलवी देख रहे हैं तो वो यही बोलेंगे भाई साहब म्यूजिक वाले वो भाई साहब अब तो उन्होंने इंग्लिश बोलना सीखना समझा भी आराम 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 कर दिया मौलवियों ने। आगे बताओ इंग्लिश के बगैर चल सकता है कोई कंट्री? आप भाई साहब अंधे घूमे पे रहे हैं जब तक। हाँ ये तो अरबी की औलाद है सारे भाई साहब, वो इंटरनेशनल खुद नहीं इंग्लिश बोल रहे हैं। हाँ तो फिर अजीब लोगों का माइंड सेट है। बाकी भाई बहुत ही बढ़िया लगा देख के, और कोई प्रॉपर वीडियो तो जरूर भेजिएगा जिसमें जो मशक है ना वो प्रॉपर दिखाई जाएगी, जो फ्रांस और इंडिया जो मस्ते कर रहे हैं वो किस तरह की कर रहे हैं, जरूर देख भेजिएगा वीडियो। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक इजाजत देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।